अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक और बहुत ही प्यारी मिसी वीडियो के सामने आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। और ये आपको जो नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी आपको जो नज़र आ रही है, ये मैंने डिफरेंट स्टिचेस से बनाई है। और इसका मैं लिंक, अगर आपने ये बनाना है या आपने इसकी वीडियो देखनी है, तो मैं इसका जो लिंक है शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आज हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम इस तरह का एप्पली वर्क। ये देखिए इस तरीके का, ये मैंने ऊन से बनाया है। ये देखिए ये एक फ्रॉक है बेसिकली, और इसके मैंने आस्तीनों पे और गले पे इस तरह से एप्पली वर्क किया हुआ है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक नया आइडिया देना दे रही हूँ कि अगर आप अपने बेबी की फ़्रॉक बना रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरीके से एप्पली वर्क करें तो ये कितना प्यारा लगेगा। और ये मैंने ऊन से किया है, ये देखिए मैंने ऊन के धागे से किया है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये एप्पली वर्क करना सिखाऊँगी, किस तरह से आप आस्तीनों पर या गले पर, या फिर अगर आप इसके फ्रॉक के दामन पे बनाना चाहते हैं, एप्पली वर्क करना चाहते हैं, तो एक तो ये इससे सिक्योर भी हो जाएगा बहुत, और प्यारा कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह इसे एप्पली वर्क करेंगे। ये देखिए ये आस्तीन का साइड है, किसी भी यानी कि बाजू का साइड है किसी भी फ्रॉक का। अगर आप किस तरह से नीचे इस तरीके से मैंने ऊन का धागा लिया है, अब देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, यूँ करके इस धागे को आपने ऊपर की साइड रखना है, ठीक है, ऊपर की साइड करके। मैंने थोड़ा सा बड़ा धागा लिया है वो इस वजह से ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए और बीच में मुझे जोड़ ना लगाना पड़े, इस तरीके से। ये देखिए दोबारा देखिएगा, मैं इस तरह से हम नीडल गुजारेंगे और ये बहुत आसानी से बन जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन बनकर ही खूबसूरत बहुत लगता है। ये देखिए मैंने ऊन का धागा इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है और ये नज़र आएगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। आपने इसके ऊपर से निकालना है, देखिए इसके इस तरह के, इस तरह से इसके ऊपर से गुजारना है। मैंने इसके लिए थोड़ा लंबा धागा लिया है, वो सिर्फ इसलिए लिया है ताकि ये कंप्लीट हो जाए और बीच में मुझे जोड़ डालना ना पड़े। इस तरह से लेने के बाद आप इसे इस तरह, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा और आपको समझ आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे कर सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एप्पली वर्क करने से एक तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सिक्योर हो जाएगा और दूसरी बात ये होगी कि ये इस तरह से करने से खूबसूरती में इसके इजाफा हो जाएगा। जैसे ये एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक है तो उसकी जो खूबसूरती है उसमें और इजाफा कर देगा, ठीक है, इस तरह से लेके। ठीक है, तो इस तरह करके हम इस पूरे को फिल करते जाएंगे।
तो दोस्तों देखिए ये बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और जहाँ रहिए खुश रहिए और हमेशा आबाद रहिए। थैंक यू।